हेलो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। मेरा नाम है मोहम्मद अयूब सेफी। दोस्तों, आज मैं आपको ओवरलैप पल्लों पर लेमिनेट्स लगाकर दिखाऊंगा। हमारे पल्लों पर फिनिशिंग बहुत ज़्यादा अच्छी आनी चाहिए, उसका आज आपको पूरा तरीका दिखाऊंगा, किस प्रकार हम लेमिनेट्स लगाते हैं और किस प्रकार उसकी धार कोर बनाते हैं और किस प्रकार हम उसकी यानी कि एज बेंडिंग लगाते हैं। चलो शुरू करते हैं। ये हमारे पास पीवीसी सीट है कोरबी की 8x4 की, और यहाँ पर हमारे पास अलमारी है। हम अलमारी के अपने सभी डोर दराज वगैरह सभी नीचे उतार देंगे, और जो हमारे डोर वगैरह होंगे हम उनको अपनी जगह से नहीं खोलेंगे। हम अपने जो स्क्रू खोलेंगे वो हम डोर के स्क्रू खोलेंगे। यहाँ पर हम अपने कब्जों को यानी कि अपनी अलमारी में ही लगे रहने देंगे। और यहाँ पर मैंने एक अपना डोर उतार लिया और उस पर मैंने अपना नंबर डाल दिया, जिससे कि हमारा जो नंबर होगा उससे आसानी से हमारा डोर मिल जाएगा। यहाँ पर मैंने सभी डोर दराज वगैरह सभी नीचे उतार दिए हैं। और हम अपनी पैमाइश के अनुसार अपनी लेमिनेट्स की कटिंग करेंगे। यहाँ पर हम अपनी पैमाइश के अनुसार लेमिनेट्स की कटिंग कर रहे हैं, और कटिंग करने के बाद उसको साइड में रख देंगे। फिर उसके बाद हम अपनी एज बेंडिंग की यानी कि कटिंग करेंगे, जो हमारी लगभग 22 mm के आसपास हमें कटिंग करनी है। तो यहाँ पर हमने अपने पीस की कटिंग कर दी है और इसको रखते हैं साइड में। और यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर हम खतखस की सहायता से हमने यहाँ पर एक स्टील की कील लगा रखी है, उसकी मदद से यानी कि अपनी एज बेंडिंग चीर रहे हैं। और इस तरह से हमने अपने छोटे डोर के पैमाइश के अनुसार यहाँ पर कटिंग कर ली है। मैं आपको बता दूं, जो हमारे नीचे की साइड के डोर होते हैं या ऊपर की साइड के डोर होते हैं, उसमें हम जो बराबर साइड वाली यानी कि टेप लगाते हैं या पीवीसी सीट वगैरह लगाते हैं, तो उसमें हम पहले नीचे की साइड में लगाते हैं, फिर बराबर की साइड में लगाते हैं और फिर ऊपर की साइड में लगाते हैं। इससे ये होगा कि आपके जो जॉइंट होंगे वे बहुत ही कम महसूस होंगे। यहाँ पर मैंने एक साइड में अपनी यानी कि माइका लगा दिए, और हम माइका लगाने के बाद यहाँ पर अपना मास्किंग टेप लगा देंगे, और मास्किंग टेप लगाने के बाद हम सही तरह से प्रेस कर देंगे, और यहाँ पर हमारी लगभग चारों साइड से पीवीसी टेप लगकर रेडी हो चुकी है। हम जो अपने डोर वगैरह पर लगाएंगे, हमें डोर नीचे नहीं लटाने, उसको हम खड़ा कर कर रखेंगे, जिससे कि हमारी जो साइड में यानी कि एज बेंडिंग लगी हुई है, टेप वगैरह लगी हुई है, तो यानी कि वो आगे पीछे ना हो। तो यहाँ पर हमारे सभी डोर की माइका साइड में सोकर सेट हो गई है, और हमने उसकी टेप उतार कर उसकी फिनिशिंग कर रहे हैं। यहाँ पर हम छोटी रंदी का इस्तेमाल करेंगे 5 इंच का, जिससे कि हमारे जो कोने हो वो फटे ना, इस हिसाब से हम रंदा चलाएंगे। और उसके बाद हम अपना बड़े वाले साइज़ का लोहे का पनेर ले लेंगे और उसकी मदद से हम इसकी फिनिशिंग करेंगे। यहाँ पर मैंने चारों साइड से बहुत ही अच्छे तरह से फिनिशिंग कर दी है, और हम दूसरी साइड भी आपको चेक करके दिखाई। अब हम अपने डोर पर लेमिनेट्स लगाएंगे छोटे वाले साइज पर। यहाँ पर हम एक साइड ग्लू लगाएंगे। हमारा ग्लू बहुत ही अच्छा है और हॉलीवुड के नाम से आता है। जो ये एक ही साइड लगा रहा, तो वो मर्जी आपकी है, आप उसको आप प्लाई पर लगा सकते हैं या लेमिनेट्स वगैरह पर लगा सकते हैं। यहाँ पर हमारा ग्लू लगकर रेडी हो गया है, और अब हम अपने लेमिनेट्स यानी कि पेस्ट कर देते हैं। हम अच्छी तरह से पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद हम इस पर आधी आधी टेप लगाएंगे। उससे हम आधी टेप लगाने से ये होगा कि हमें दूसरी साइड भी अपनी ऑफ वाइट लेमिनेट्स लगानी है 0.8 की। और यहाँ पर हमने एक साइड लेमिनेट्स लगा दी है 4 मास्किंग टेप की मदद से, और इसी अनुसार हम यहाँ पर ग्लू लगाकर इसको भी सेट कर देंगे। और यहाँ पर हमारा ग्लू लगकर रेडी हो गया है। अब हम अपनी माइका यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। और इसी तरह से हम इसकी अच्छी तरह से प्रेस करेंगे कपड़े से, जिससे कि हमारी जो चारों साइड में सही तरह से सेट हो जाए। और इस तरह से हम थोड़ी थोड़ी मास्किंग टेप लगाएं चारों साइड, और इसको खड़ा कर कर ऐसे हिसाब से
जिससे कि हमारी लेमिनेट्स न मुड़े, इसी हिसाब से हम अपना मास्किंग टेप लगा देंगे चारों साइड। यहाँ पर हमारी लेमिनेट्स लगकर रेडी हो गई हैं, मैंने आपको दोनों साइड से चेक कर कर दिखाया। और अब हमारी जो बारी आती है ऊपर डोर की बारी आती है, इसी अनुसार हम एक तरफ ग्लू लगाएंगे और फिर उसके बाद हम अपनी लेमिनेट्स पेस्ट कर देंगे। और यहाँ पर हमारा ग्लू लगकर रेडी हो गया है। अगर आपका थोड़ा बहुत ग्लू फालतू रह जाता है उसको आप अच्छी तरह से फैला दें, जिससे कि हमारा जो लेमिनेट्स होता है यानी कि उसकी दूसरी साइड भी सही तरह से ग्लू लग जाए। और अगर आप ज़्यादा खींच खींच कर लगाएंगे उससे आपकी लेमिनेट्स यानी कि नहीं चिपकेगी, तो इसमें इस चीज़ का ध्यान रखा जाता है। ग्लू जो लगाया जाता है एक साइड वो थोड़ा मोटेपन पे लगाया जाता है, जिससे कि हमारा जो लेमिनेट्स होगा उसकी सही पेस्टिंग करने के बाद यानी कि प्रेस करने के बाद उसकी सेटिंग सही आ जाएगी। और हमारा एक साइड लेमिनेट्स लगकर तैयार है, अब हम ऑफ वाइट लेमिनेट्स दूसरी साइड भी लगा देते हैं। और यहाँ पर हमारा ग्लू लगकर रेडी हो गया है और इस साइड भी हम अपना ऑफ वाइट लेमिनेट्स लगा देते हैं। और हम जो बड़ा पीस लगाएंगे लेमिनेट्स का, हम एक साइड से उठाएंगे और उसकी प्रेस कर देंगे कपड़े से। इस तरह से दोनों साइड से उठाकर हम उसकी हवा निकाल देंगे। हवा निकालने से होगा कि एक तो आपका बबल नहीं आएगा और उसकी कवरिंग भी अच्छी होगी, सेटिंग अच्छी होगी। यहाँ पर हमारे सभी डोर लगकर रेडी हो गए हैं और हम अपने डोर को यहाँ पर खड़ा नहीं करेंगे, उसको लिटा कर रखेंगे, जिससे कि हमारे जो डोर होंगे लेमिनेट्स सोखने में उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, तो वो सीधे रहेंगे लिटा कर। तो यहाँ पर हमारे डोर सभी सेट हो जाता है। इस तरह से हम अपनी अलमारी की सनमाइका की पेस्टिंग कर देते हैं बराबर वाली साइड में। यहाँ पर मैंने अंदर की साइड पहले से ही लेमिनेट्स लगा रखी है, जो कि मैं बराबर की साइड लेमिनेट्स लगा रहा हूँ, और हम अच्छी तरह से चेक कर कर अपने लेमिनेट्स पेस्ट कर देंगे। और हम अपनी लेमिनेट्स को अलमारी की साइड वाली जगह से सही तरह से चेक कर कर उसको लगा देंगे। और यहाँ पर हम अपनी 22 mm की हमने PVC लेमिनेट्स की यानी कि पट्टी चीर रखी है, वो हम उसको पॉलीफिक्स जेल ग्लू की मदद से चिपकाएंगे। इससे बहुत ही फास्ट सेटिंग होती है। और यहाँ पर हम सामने वाली साइड पर यानी कि वुड पर स्प्रे एक्टिवेटर करेंगे, जिससे कि हमारी सेटिंग की जो सेटिंग होगी बहुत ही फास्ट होगी और ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 10 सेकंड के अंदर हमारी पट्टी लगकर रेडी हो जाएगी। और बहुत धीरे धीरे आराम से हमें चेक करना है, क्योंकि वो दाएं बाएं नहीं खिसकनी चाहिए, क्योंकि इसकी पकड़ बहुत ही अच्छी है। और हम इस तरह से यहाँ पर इसकी सेटिंग कर देंगे। और हम सेट करने के बाद यहाँ पर भी हम कपड़े से इसकी प्रेस करेंगे, जिससे कि इसमें जो डबक ना हो और उससे हमारा ग्लू हो वो सही तरह से फैल जाए। और यहाँ पर हम दोबारा से फिर भी स्प्रे एक्टिवेटर करेंगे। और इसी तरह से हम दूसरी साइड भी यहाँ पर अपना पॉलीफिक जेल ग्लू की मदद से इसे यहाँ पर सेटिंग कर देंगे। और अब हम हमारे जो छोटे डोर हैं बड़े डोर हैं उन पर हमारी लेमिनेट्स रेडी हो गई लगकर यानी कि सूख कर। और इस तरह से हमने बड़े रंधे की सहायता से थोड़ा सा उसकी फिनिशिंग करी। हमारी जो लेमिनेट्स निकली हुई थी 1 mm के आसपास निकली हुई थी, वो हमने डायमंड वाले रंधे से उसकी फिनिशिंग कर दी है। और यहाँ पर हम अपनी 5 इंच के रंधे से इसकी फिनिशिंग कर देंगे। फिनिशिंग जो करेंगे हम थोड़ा सा उसमें हल्का सा टेपर रखेंगे, जिससे कि हमारा पल्ले में और भी ज़्यादा फिनिशिंग आए। फिनिशिंग आपकी ऐसी होगी जिस प्रकार मैं आपको काम करके दिखा रहा हूँ, कि जैसा कोई आपका कार्य कंपनी से होकर आया हो और उसकी जो फिनिशिंग होती है बहुत अच्छी होती है। मैं वो तो नहीं कह सकता, मगर हमारे डोर की फिनिशिंग इतनी लाजवाब है कि देखने में भी आपको बहुत अच्छी लगेगी। ये हमने अपने बड़े डोर की बड़े पैनल से फिनिशिंग करी और उसके बाद हम उसको जो फिनिशिंग दे रहे हो 5 इंच की रंधे से दे रहे हैं। हमारी 5 इंच की रंधे से ये होगा कि अगर आपके डोर की साइड में थोड़ी बहुत डबक भी है तो सब ख़त्म हो जाएगी, इससे आपकी फिनिशिंग अच्छी आती है।
हमारे तीनों बड़े डोर बिल्कुल रेडी हो गए फिनिशिंग होकर। और अब हम अपने डोर की जहाँ पर कब्जे लगे हुए हैं हथौड़ी की सहायता से उसकी टकाई करेंगे, और जहाँ पर हमारा होल होगा कब्जे का गोल वाला 32 mm का, उस वहाँ पर हम लेमिनेट निकाल देंगे और चोरसी की सहायता से उसकी फिनिशिंग कर देंगे। इस तरह से हल्के हल्के चलाकर या हाथ से चोट मारकर आराम आराम से हम उसकी फिनिशिंग कर देंगे, और इसी तरह से हम अपने चारों होल की सफाई कर देंगे, और सफाई करने के बाद हम उसको एक बार पलट कर उसके झाड़ देंगे। यहाँ पर हमारे सभी डोर की यानी कि हमने कब्जे वाली जगह निकाल दी है। अब हम अपने अलमारी पर सभी डोर की सेटिंग करते हैं। यहाँ पर मैंने दराज वगैरह की अपनी सेटिंग कर दी जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप देख रहे हैं कितनी अच्छी फिनिशिंग के साथ हमारी एलिमेंट्स आपको नज़र आ रही है। इस तरह से दोस्तों मैंने आपको बताया कि अलमारी पर ओवरले पल्लों पर सरमाए का कैसे पेस्ट करते हैं और उसकी फिनिशिंग किस प्रकार आती है। यहाँ पर हम जैसा कि अपने डोर में कब्जे लगा रहे हैं, यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉनिक मशीन का प्रयोग नहीं करेंगे, केवल हैंड स्क्रू का प्रयोग करेंगे, क्योंकि ओनली आपके पहले से ही वहाँ पर स्क्रू की जगह है, तो हम यहाँ पर हाथ से इसमें स्क्रू लगाएंगे, क्योंकि हमें इतना अंदाज़ा है कि हमारा पेंच को कितनी खिंचाई चाहिए। अगर आप मशीन से खींचते हैं पहले जगह प्रे तो हो सकता है कि आपका स्क्रू फ्री ना हो जाए, तो इस चीज़ का ध्यान रखना होता है। यहाँ पर हमारा पहला डोर लगकर रेडी हो गया है, और ये भी हमने दूसरा लगा दिया है, और यहाँ पर हम अपने तीसरा डोर भी यहाँ पर लगा दिया है। इसी अनुसार हमारे सभी डोर यहाँ पर लग जाएंगे। ये मैंने पहली अलमारी के सभी डोर आपको लगा कर दिखाए और दूसरी साइड के डोर आपको लगाए। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपकी हमारे वीडियो में बहुत ही मजा आए। आप हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो आपका बहुत बहुत शुक्रिया।